आदाब के पी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं सफाजिल। आइए देखते हैं देश और दुनिया के मुख्य समाचार। मुश्किल में फंसी कर्नाटक सरकार का बड़ा कदम। मैसूर में मुद्दा के तहत दी गई 48 जमीनों का आवंटन। KSRTC ने सभी बसों में QR कोड टिकट भुगतान प्रणाली की शुरू। पार्टी को विरासत और भ्रष्टाचार से मुक्त किया जाना चाहिए। बसंत गौड़ा पाटिल लखनाल DS येदियुरप्पा परिवार के खिलाफ फिर दर्ज। देवेंद्र फडणवीस होंगे महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री। BJP विधायक दल की मीटिंग में फैसला। पंजाब पुलिस की मुस्तैदी के कारण पंजाबियों को बदनाम करने की साजिश नाकाम, बोले CM भगवंत मान। ED केस में पेशी से राहत की मांग के साथ झारखंड CM हेमंत सोरेन हाईकोर्ट पहुंचे। संभल जा रहे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को गाजियाबाद बॉर्डर पर UP पुलिस ने रोका। पंजाब गोल्डन टेंपल के पास शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला। गोलीबारी के बाद स्वर्ण मंदिर पहुंची सांसद और सुखबीर सिंह बादल की पत्नी हरसिमरत कौर। गौतम अडानी के मुद्दे को लेकर विपक्ष का संसद में प्रदर्शन। भवन के बाहर दिखाए पोस्टर। दिल्ली आज 2 दर्जन EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन करेंगी CM आरपी सिंह। कर्नाटक BJP बनाम BJP तकरार के बीच आज विपक्ष के नेता JP नड्डा से मिलेंगे। नौसेना दिवस पर नौसैनिकों को गृहमंत्री अमित शाह ने दी शुभकामनाएं। तेलंगाना के मुलुगु में भूकंप से कांपी धरती, 5.3 फीसदी उतार। दिल्ली द्वारका एक्सप्रेसवे पर दो कारों की टक्कर, एक की हुई मौत। राहुल ने कहा था मैं अकेला चला जाऊंगा गाजीपुर बॉर्डर पर, पुलिस वालों पर भड़की प्रियंका गांधी। कैश फॉर स्कूल जॉब घोटाला, पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। राकेश टिकैत को पुलिस ने हिरासत में लिया, प्रशासन को दिया आज शाम तक का अल्टीमेटम। दिल्ली में पहले से साफ हुई हवा, माध्यम श्रेणी के करीब पहुंचा AQI। बांग्लादेश में आतंकी हमले का खतरा, ब्रिटेन ने ट्रायल एडवाइजरी में किया जिक्र। बांग्लादेश में अत्याचार के विरोध में आज भोपाल, इंदौर और उज्जैन में सकल हिंदू समाज का प्रदर्शन। दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ हटाने का अमेरिका ने किया स्वागत, मामले पर रख रहा है। KP एक्सप्रेस में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल KP न्यूज़।